नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल बी टाउन हलचल में। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान एक साथ एक प्रोजेक्ट में आएंगे। हाँ, ये सच है, शाहरुख, सलमान और आमिर एक प्रोजेक्ट में एक साथ आ रहे हैं। और इन लोगों को एक साथ लाने में किसकी हाथ है, मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिखाया, तीनों खानन तिगड़ी को एक साथ लाने में कामयाब हो गए। उन्होंने अपने जल शक्ति अभियान की ब्रांड इंडोर्स के लिए तीनों खान को अप्रोच किए हैं। तीनों खान को गलत कहूंगा, आमिर खान इससे पहले से ही जुड़े हुए थे, आमिर खान और अमिताभ बच्चन। और अब नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि इसमें शाहरुख, सलमान भी जुड़े, क्योंकि तीनों खानों की जो फैन बेस है, जो स्टारडम है, उन पर लोगों की भरोसा है और इन पर सबसे ज्यादा लोग बिलीव करते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि शाहरुख, आमिर, सलमान तीनों एक साथ जल शक्ति अभियान की ब्रांड इंडोर्स करें। और आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश में रिसेंट पानी की समस्या बहुत हो रहा है, जल की कठिनाई बहुत गहराई हो चुके हैं, लोग पानी के लिए दूर दूर मीलों तक जाके पानी की हाल निकाल रहे हैं। तो ऐसे में अगर शाहरुख, सलमान, आमिर इसमें एक साथ आए और लोगों को भरोसा दिलाएं, लोगों को पॉजिटिव बातें करें, पानी के बारे में सेव करवाएं, तो ये बहुत एक अच्छा मूव होगा। और सभी एसआर के फैंस, सलमान फैंस, शाहरुख फैंस के लिए भी एक बहुत खुशखबरी है। और मुझे सबसे अच्छा लगेगा कि वक्त जो होते हैं वो लोगों का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा खान की तरफ से, वो लोगों की जो सोच है, माइंड है, वो थोड़ा सा अलग माइंड है। तो जब नरेंद्र मोदी जी उन लोगों के अप्रोच किए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं, तो उन लोगों के माइंड शायद चेंज हो सकते हैं। ये मान के चलो कि शाहरुख, सलमान, आमिर नरेंद्र मोदी जी को ना नहीं कह सकते हैं और एक साथ तीनों को आप एक प्रोजेक्ट में जरूर देख सकते हैं। चलिए, बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुद की ख्याल रखिए, फैमिली को ख्याल रखिए।